नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों के और रुक करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश पीएम ने किया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। मुडा घोटाले में बेंगलुरु और मैसूर में 8 से 9 जगहों पर छापेमारी कर रही ईडी। लखनऊ पुलिस कस्टडी में मौत मृतक मोहित पांडे के परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। दिल्ली में खाद्य विभाग की छापेमारी से मिलावट खोरों में हड़कंप, खोया पनीर और मिठाइयों के उठाए 21 सैंपल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला। C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के लिए नए वर्क कल्चर को दिखाती है, वडोदरा में बोले पीएम मोदी। 27 का नारा निषाद है सहारा, लखनऊ की सड़कों पर फिर लगा संजय निषाद का पोस्टर। टिकटों का बंटवारा अपने आखिरी चरण में, नागपुर में बोले भूपेश बघेल। 25 लाख दीपकों के से जगमगाएगी रामनगरी, रात 12 बजे तक हो सकेंगे मंदिर भवन के दर्शन। बरेली के पहले महापौर और पूर्व विधायक कुंवर सुभाष पटेल का हुआ निधन। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।